ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें आप देख रहे हैं हेल्थ प्लस और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रभजोत कौर, जो कि हमें बता रही हैं मेल इनफर्टिलिटी के क्या कारण हैं, किस तरह से इसके बचाव हैं और उपाय किस तरह से है जिससे इसे खत्म किया जा सकता है। और हम डॉक्टर साहिबा से आगे भी जानते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में ही। और आप डॉक्टर साहिबा से हमारा अगला क्वेश्चन यह होगा कि डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से पुरुषों में शुक्राणुओं की मात्रा संख्या कम हो रही है, उसका कारण क्या है? जी हाँ मीनाक्षी, देर आर फिजोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रीजंस फॉर एजूस्पर्मिया और ओलिगोजूस्पर्मिया और एस्थिनोजूस्पर्मिया, यानी कि कुछ फिजोलॉजिकल कॉजेज हैं जो बड़े ही नेचुरल कॉजेज हैं जिनको आराम से करेक्ट किया जा सकता है, और कुछ कारण हैं, कुछ ऐसी खास बीमारी या तकलीफ के कारण जो पुरुषों के शुक्राणु कम होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं या थके हुए शुक्राणु होते हैं। और हम लोग शुरू करेंगे इन्फेक्शन से। इन्फेक्शंस दो किस्म की होती हैं जिसके कारण मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है, और जो पायोजेनिक इन्फेक्शंस हैं ये एक बहुत ही कॉमन कारण है शुक्राणुओं की संख्या कम होने का या उनका एक्टिव ना होने का। और यदि हम इनको आइडेंटिफाई करके, इनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है यदि सीमन में पस सेल्स प्रेजेंट है, और अगर हम सीमन का कल्चर करवाएं तो हमें इसका ज्ञान हो जाता है कि 25 में से कौन सी एक या दो दवाइयां काम करेंगी जो कि इनके कीटाणु संक्रमण को रोक देंगी, मार देंगी इन कीटाणुओं को और शुक्राणु स्वस्थ हो जाएंगे, और कौन सी ऐसी 22-23 दवाइयां हैं जो काम नहीं करेंगी, जो देके हमें अपना या मरीज का समय बर्बाद नहीं करना है। सो वन इज पायोजेनिक इन्फेक्शंस, यानी कि इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। सेकेंड काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज माइकोबैक्टीरियम, यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस हमारे देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है मेल इनफर्टिलिटी का, और हमारे बच्चे बहुत से ऐसे हैं जिनके अंदर शुक्राणु नील है या कोई भी शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं सीमन में, और ये बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं। और मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि आप सब लोग जान लें कि जितनी जल्दी हम लोग पता लगा पाएंगे कि किस कारण से शुक्राणु नहीं है, क्या किसी इंसान की कोई डक्ट ब्लॉक है या कोई पाइप ब्लॉक है, या अंदर ही शुक्राणु जो फैक्ट्री में यानी कि टेस्टिस के अंदर शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, या अंदर टेस्टिस के अंदर शुक्राणु विराजमान है, बिल्कुल नॉर्मल है, और किसी बीमारी के कारण, किसी डक्ट की ब्लॉकेज के कारण यदि वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि जितनी जल्दी पता लग जाए और जितनी जल्दी इलाज हो जाए, और एक बहुत ही भारी मात्रा में हम इन पुरुषों का इलाज कर सकते हैं। और बहुत से पुरुषों में ये शुक्राणु बाहर आने लग जाते हैं, लेकिन जिन पुरुषों में शुक्राणु बाहर ना आ पाए और ये ब्लॉकेजेस इस किस्म की ब्लॉकेजेस हो, तो इन पुरुषों में हम लोग शुक्राणुओं को अंदर से निकाल के इसको अंडे में इंजेक्ट करके, जिसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की विधि कहा जाता है, इस द्वारा भी हम इनको जो बच्चे बना के, ये भ्रूण बच्चों के औरत की बच्चेदानी में रख के बड़ी ही कामयाबी से इनका बच्चा करवा सकते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस के संदर्भ में मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि चूंकि ये हमारे देश में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो कृपया करके जो हमारे हाथ में है, जो कुछ हम कर सकते हैं वो जरूर करें। कृपया करके आप कच्चे दूध का सेवन ना करें, जो कि गांव में बहुत ही कॉमन है, और कुछ पेशेंट्स मुझे आके कहते हैं कि मैडम ताकत तो तभी आती है जब कच्चा दूध पिए। तो जिस प्रकार से माँ से बच्चे में इन्फेक्शन आ सकती है, इसी प्रकार से कच्चे दूध का सेवन करने से हमारे शरीर में बोवाइन वैरायटी ऑफ माइकोबैक्टीरियम का प्रवेश हो सकता है, तो इसका हम बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा हम छोटे बचपन से ही, यानी कि 2-3 वर्ष की उम्र से ही, अगर अपने बच्चों को, अपने स्कूली बच्चों को, अपने कॉलेज के बच्चों को हाइजीन की शिक्षा दे और इस प्रकार की शिक्षा दे ताकि उनके शुक्राणुओं में, उनके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कीटाणुओं का संक्रमण ना हो, और ये अगर बच पाए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होगी। जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से हम अपने साफ सुथरा रख के और कच्चे दूध का इस्तेमाल ना करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, तो डॉक्टर साहिबा हम यह जानना चाहेंगे क्या इस तरह के व्यक्ति अपना बच्चा भी पैदा कर सकते हैं? जी हाँ मीनाक्षी, अगर किसी भी पुरुष में शुक्राणु इतने अल्पसंख्यक हो
या थके हुए हो या मोटिलिटी कम हो, इस सारी समस्या का समाधान हम उनके अपने उनको खुद के शुक्राणुओं से पिता बनने का जो सुख है वो मिल सकता है। इक्सी आजकल के जमाने की एक बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है, बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्निक है, और जिन पुरुषों को केवल इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन यानी कि आईवाई विधि से फायदा ना मिल रहा हो, उनको हम इक्सी की विधि प्रयोग करके अपने ही बच्चे को वो लोग जन्म दे सकते हैं, उनकी उनकी जो स्त्रियां हैं। लेकिन मैं इसके बारे में और भी ये बात कहना चाहूंगी कि इक्सी एक कॉस्टली विधि है, एक एक्सपेंसिव विधि है, एक महंगी उपचार की जो व्यवस्था है। अगर हमारे जो गरीब भाई बहन हैं जिनको बहुत से इलाज के बाद ये सुख माँ बाप बनने का सुख नहीं मिला है, तो अगर हमारे में से कोई भी हमारे भाई बहन अगर डोनर सीमन को लेके अगर आईयूआई करवाते हैं और उस तरह से संतान के सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि कृपया करके अपनी सेहत को खतरे में ना डालें। आईयूआई डोनर यानी कि दान लिए हुए शुक्राणुओं से बच्चे करवाने की विधि जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो किसी भी छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाकर जहां की फ्रेश सीमन का इस्तेमाल किया गया हो, ये विधि कृपया करके उपयोग में ना लाएं, क्योंकि डोनर सीमन यानी कि दान किए हुए शुक्राणु जो कि जमी हुई अवस्था में होते हैं, इनमें बहुत ही सारे यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, जो रेकमेंडेशंस के अनुसार काफी प्रकार की इंफेक्शंस के टेस्ट किए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह के शुक्राणु से किसी भी तरह की स्त्री में किसी प्रकार की इंफेक्शन ऐसी ना जाए जिससे किसी का जीवन बर्बाद हो जाए या आने वाले बच्चे का जीवन खराब हो जाए। तो कृपया करके ये जमी हुई अवस्था के शुक्राणु जिसपे हर तरह के टेस्ट हो चुके हों, कृपया इस तरह के ही डोनर आईयूआई का इस्तेमाल करवाएं, और कोशिश करें कि यदि आप अपने ही शुक्राणु से अपना ही इलाज करवा के अगर आपको बच्चा मिल सकता है, तो उससे अच्छी हमारे लिए कोई और बात नहीं होगी। जी डॉक्टर साहिबा, हम यह जानना चाहेंगे, आपने इन्फेक्शन को तो कवर कर दिया कि कौन कौन से इन्फेक्शन है और कौन से कारण है जिससे कि यह समस्या पैदा होती है। जी हाँ मीनाक्षी, इन्फेक्शंस के अलावा वेरिकोसील एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है मेल इनफर्टिलिटी का। वेरिकोसील यानी कि पुरुषों के टेस्टिस यानी कि एक ऐसी फैक्ट्री जो भगवान ने हमें दी है जहाँ शुक्राणु बन के तैयार होते हैं, टेस्टिस के आसपास खून की बड़ी बड़ी नाड़ियों के गुच्छे होना या खून की नाड़ियों का डायलेटेड अवस्था में होना, जहां से अक्सर बहुत ही गर्मी पैदा होती है, और जो शुक्राणु है वो गर्मी के कारण पैदा तो होते हैं लेकिन मर जाते हैं, और इस तरह से शुक्राणुओं की जो काउंट है वो बहुत कम हो सकता है, मोटिलिटी यानी कि उनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो सकती है, जिसके कारण जो उनकी स्त्री है वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ रहती है। वेरिकोसील का पुराने जमाने में सदा ही ऑपरेशन बताया जाता था, और वेरिकोसील का ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं ये एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल है, जिसका जवाब हमें मिलता है एक अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाकर या इसकी सिवियरिटी को देख के जो डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं कि क्या ये माइल्ड है यानी कि अभी इसकी शुरुआत है, मॉडरेट है यानी कि बीच की अवस्था, और सिवियर यानी कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण हमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। और ये मैं आपको खास करके कहना चाहूंगी कि हर इंसान को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, और आजकल बहुत ही अच्छी दवाइयां आ गई है, खासकर कैल्शियम डॉबिसिलेट जैसी जो दवाइयां हैं उनके कारण ये जितनी भी डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं, जो डायलेटेड वेन्स हैं, वो सिंगुड़ जाती हैं दवाई की असर में, और जैसे ही ये वेसल्स सिंगुड़ जाए तो वहां पर ठंड का माहौल फिर से बन जाता है, जिसके कारण जो पैदा होते हैं शुक्राणु वो मरते नहीं है और जीवित और अच्छी एक्टिविटी के साथ बाहर आ पाते हैं, और जो प्रेगनेंसी है वो जल्दी से हमें अचीव हो जाती है। तो मीनाक्षी, ये वेरिकोसील के अलावा जिन बच्चों में, जिन पुरुषों में बचपन में ही मम्स हो जाते हैं यानी कि कनपेड़े की बीमारी हो जाती है, खासकर ऐसे बच्चों में जिनमें मीजल्स, मम्स एंड रूबेला से बचाव के टीके ना लगाए गए हों, ये बहुत ही दुखद बात है कि इन बच्चों को परमानेंट टेस्टिकुलर डैमेज हो जाता है बचपन में ही मम्स के कारण, जो कि बचाया जा सकता है इफेक्टिव टीकाकरण से या वैक्सीनेशन से, इस प्रॉब्लम को बचाया जा सकता है। इसके अलावा हमारे समाज में कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको
कि टेस्टिस जो है वो उनके पेट में होती है, और अगर माँ बाप अपने जो बेटों को बड़े ध्यान से देखें कि अगर किसी लड़के की जो है जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं है या अपनी जगह पे नहीं है या जो वो टेस्टिस अपनी जगह से गायब है, तो कृपया करके ये माँ बाप अपने बच्चे को बचपन से ही पहले वर्ष ही जैसे ही वो लोग इसको ऑब्जर्व करें बच्चे के डॉक्टर के पास ले जाए और ये प्लान करें कि किस वक्त जल्दी से जल्दी उस बच्चे की सर्जरी हो ताकि पेट से उठा के टेस्टिस को स्क्रोटम में लाया जा सके, क्योंकि पेट में बहुत ही गर्मी का माहौल है और अगर उसको ठंडी जगह यानी कि स्क्रोटम में लाया जाएगा बचपन में ही सही वक्त के रहते तो सारी उम्र की प्रताड़ना से की पीड़ा से ये बच्चे बच जाएंगे, अदरवाइज ये बच्चे कभी भी बच्चा पैदा करने में असमर्थ रहेंगे। और इसके अलावा जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है मेल में यानी कि थायराइड का बराबर रूप से काम ना करना या प्रोलैक्टिन का ज्यादा या कम होना, इसके अलावा जो हार्मोन्स का पुरुषों में सही तरीके से काम ना करना यानी कि थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, प्रोलैक्टिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर और सेकेंडरी टेस्टिकुलर फेलियर, ये दो चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। कई बार किसी कारण से जो टेस्टिस है वो फेल हो जाती है, जिंदगी में कभी भी काम करने में असमर्थ रहती है और हम अक्सर कहा करते हैं कि जर्म सेल फेलियर परमानेंट है, और कई बार सेकेंडरी एंडोक्रिनोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के कारण या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण ये टेस्टिस फेल हो जाती है। तो इन सब कारणों को अगर हम सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लें तो हम बहुत ही अच्छे इफेक्टिव और कारगर तरीके से अपने पुरुष बच्चों का इलाज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बताया कि बचपन में ही बच्चों को टीकाकरण करना चाहिए, उसके साथ हम यह जानना चाहेंगे कि इस समस्या का महिलाओं पर क्या असर पड़ता है। जी हाँ मीनाक्षी, इस बात का ज्ञान समाज में बहुत कम लोगों को है कि अगर पुरुष में कोई प्रॉब्लम है, ये अक्सर देखा जाता है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि पुरुष में शुक्राणु है ही नहीं, और कुछ साल बाद यानी कि 5, 6, 8 साल बाद जब स्त्री का इलाज करवाना शुरू करते हैं घर वाले, तो ये पाते हैं कि अगर वो लोग दान किए हुए शुक्राणुओं की मदद भी ले ले तो भी शादी के कुछ साल बाद कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से इन स्त्रियों को बच्चा नहीं हो पाता। एंड आई थिंक इट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर पुरुषों में इनफर्टिलिटी का कारण इन्फेक्शंस हैं, यानी कि चाहे वो पायोजेनिक इन्फेक्शंस हो चाहे वो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस हो, कहीं ना कहीं अगर इन्फेक्शंस का असर औरत की बच्चेदानी की झिल्ली पे आ जाए या इन इन्फेक्शंस का असर औरत की ट्यूब्स के अंदर चला जाए तो औरत की ट्यूब जो है वो काम करने में असमर्थ हो जाती है, उसके जो मैं ये कहूंगी कि उसके जो पुर्जे हैं वो खुंडे हो जाते हैं, जहां पे भगवान की ओर से एक फैक्ट्री लगी हुई है बच्चा बनाने की फैक्ट्री, क्योंकि जो बच्चा है वो औरत की ट्यूब में बन के तैयार होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के छठे दिन वो भ्रूण जो है वो ट्यूब में घूमता फिरता बच्चेदानी में आके वहां पे इम्प्लांट हो जाता है। तो अगर ट्यूब्स काम करने में असमर्थ हो जाए पुरुष में, एक्चुअली जो कारण पुरुष में था, तो ये जो पेशेंट्स हैं ये कंसीव नहीं कर पाते। तो इन पेशेंट्स में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इनकी ट्यूब्स दोबारा से फंक्शनल हो जाए या इनकी इन्फेक्शंस ठीक हो जाए, और ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि टेस्ट ट्यूब प्रणाली का प्रयोग करके जिसमें कि ट्यूब्स को बाईपास कर दिया जाता है उसके द्वारा इनको बच्चे की प्राप्ति हो सकती है। जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिब हम यह जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये समस्या आती है तो इसमें ऑपरेशन किस हद तक मददगार है, क्या ये कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए? देखिए मीनाक्षी, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वेरिकोसील की वजह से या अगर उनकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनकी पाइप में जो ब्लॉकेजेस थी उनकी वजह से ऑपरेशन करवाए, और इनमें एक बहुत ही हाई परसेंटेज उन पुरुषों की है जिनमें ऑपरेशंस कराने के बावजूद भी उनके ऑपरेशन सफल नहीं हुए, उनमें स्पर्म्स की जो बाहर आना है वो जो प्रोसेस है वो नॉर्मल नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ है ये अक्सर हम सबको परेशान करती है कि हम ऑपरेशंस उन्हीं कंडीशंस में करवाएं जबकि हमें कामयाबी मिल जाए। तो कृपया करके जब भी आप
वेरिकोसील की वजह से, यानी कि खून की बड़ी बड़ी नाड़ियों के जो गुच्छे हैं जिन्होंने टेस्टिस को लपेटा हुआ है, अगर उस प्रॉब्लम की वजह से आप ऑपरेशन करवाते हैं तो कृपया करके आप कंप्लीट काउंसलिंग से ले अपने डॉक्टर से या अपने स्पेशलिस्ट से या अपने यूरोलॉजिस्ट से कि क्या परसेंटेज ऐसी है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सक्सेस, यानी कि कामयाबी की क्या परसेंटेज आपको हासिल होने वाली है। और कृपया करके बार बार एक ही कंडीशन के लिए ऑपरेशन ना करवाएं ताकि आप खामखा परेशान ना हो। और सेकेंडली, जिन भी पेशेंट्स में ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है, चाहे वो पायोजेनिक इन्फेक्शंस की वजह से है, अपनी सक्सेस की जो परसेंटेज है वो जरूर जाने। अगर कामयाब होने का चांस बहुत ही कम है तो आप सीधा ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके शुक्राणुओं को अंदर से निकाल के अंडे में इंजेक्ट करके बच्चे बना के उनको सीधा ही गर्भ में रखा जा सकता है। लेकिन अगर जो ब्लॉकेजेस हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो मल्टीपल ब्लॉकेजेस नहीं है, मल्टीपल मतलब इतने ज्यादा पॉइंट्स पे ब्लॉकेजेस होना कि एक आधे स्थान पे ऑपरेशन करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, और मल्टीपल माइक्रो ब्लॉकेजेस हैं, और ब्लॉकेजेस तय करने का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारे लिए सीमन फ्रक्टोज, जो हमें बता देता है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। तो अगर ये ब्लॉकेज एक ही स्थान पे है और अगर उसको निकाल दिया जाए और बाकी की जो पूरी जो ट्रैक्ट है वो क्लियर है, ऐसी कंडीशन में आपको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रणाली की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपने शुक्राणु अगर बाहर आने लग जाए तो इसके द्वारा आपका बड़ी कामयाबी से बच्चा हो सकता है। लेकिन अगर यही जो ब्लॉकेजेस है ये मल्टीपल है और ऑपरेशन करके भी अगर हमें इसका हल नहीं निकलने वाला है, खासकर जहां ट्यूबरकुलोसिस इज अ कल्प्रिट, वहां पे आप खामखा ऑपरेशन ना करवाएं, तो एक स्पेशलिस्ट की सलाह, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह, एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट की सलाह आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। जी डॉक्टर साहिबा, ऐसा भी होता है कई बार शादी के बाद जब पुरुषों में इस तरह की समस्या उनके सामने आती है, ऑपरेशन नहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो उस समय हमेशा मतलब कि जो पुरुष होता है वो अपने आप को एक शर्म गिल्टी फील करने लग जाता है, तो इस समय पुरुष को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर जब इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं तो वो सुसाइड करने के लिए दौड़ पड़ता है, तो क्या सही है ये? देखिए मीनाक्षी, जो पुरुषों की प्रॉब्लम है एजोस्पर्मिया की या ओलिगोस्पर्मिया की, यानी कि अल्पसंख्यक शुक्राणु होना या ना होना, आजकल मैं ये समझती हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये ज्ञान है, ये विदित है कि बहुत ही अच्छे इलाज संभव है। आई कैन रिमेम्बर अ फ्यू पेशेंट्स जहाँ पे शुक्राणु जीरो थे, और मैं मजाक में कहती हूँ कि ये सब जीरो से हीरो बने, जिनको कारण समझ के जब हमने दवाइयाँ दी तो बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के, बिना कोई IUI के, बिना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए इन पुरुषों के शुक्राणु बहुत अच्छे हो गए। ये अलग बात थी कि किसी को 3 महीने लगे, किसी को 6 महीने लगे, किसी को 1 साल लगा, और ये सब डिपेंड करता है कि कितना वक्त है हमारे पास हमारी जिंदगी में इलाज के लिए और कितना वक्त हम इंतज़ार कर सकते हैं। और जो पुरुष बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की स्थिति में नहीं है वो ज़रूर इमिजिएटली AIT का सहारा ले सकते हैं। और मैं यही कहूंगी कि शुक्राणुओं के अल्पसंख्यक होने के अलावा पुरुषों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका जो इतनी दुखदाई है, इतनी सैड है, जो हम समाज में लोगों के साथ बात करते हैं कि कुछ तकलीफें जो पति और पत्नी के बीच में आती हैं शादी के बाद, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से जिनका सलूशन हो सकता है एक अच्छी काउंसलिंग से, एक अच्छे मार्गदर्शन से, जिन पुरुषों को नॉर्मल किया जा सकता है, वही पुरुष या तो सारी जिंदगी दवाइयों के चक्कर में, यानी कि जहां दवाइयों की जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत है। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे मार्गदर्शन से और थोड़ी सी दवाई से सॉल्व हो सकती हैं। तो मैं अपने भाइयों को, अपने बच्चों को और अपने से बड़ों को यही कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार की समस्या जो आपको बहुत बड़ी दिख रही है, कृपया करके ये जान ले कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास, जो कि एक अच्छा काउंसलर भी हो सकता है कि बिना दवाई के या बहुत थोड़ी दवाई से उसका इलाज हो सके। और जिसको आप सोचते हैं कि इसका हल तो कभी हो ही नहीं सकता, इतना खूबसूरत हल हो जाए कि आप ऐसा महसूस करें कि आप इस धरती पे अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग में हैं,
और मैं ये चाहूंगी कि आप उन चीजों का जो है वो फायदा जरूर उठाएं अपने जीवन में। यानी कि अब इस तरह के पुरुषों को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने आपको इतनी सारी जानकारी पहुंचाई है कि किस तरह से सभी जो समस्याएं हैं, जो भी बीमारी है, उनका इलाज संभव है यदि उनका इलाज समय रहते किया जाए और सही जानकारी के साथ किया जाए और सही डॉक्टर के पास किया जाए तो उस समस्या का समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हम यह जानना चाहेंगे कि इस तरह की समस्या का क्या उपाय है जिससे ये समस्या हो ही ना। जी हाँ मीनाक्षी, हमारी किसी भी डिस्कशन या हमारी किसी भी वार्तालाप का यदि ये संक्षेप निकले कि आप इलाज करवाइए तो शायद वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, क्योंकि हम समाज को सिर्फ समाज में अपने बच्चों को मरीज नहीं बनाना चाहते हैं, सिर्फ इलाज की दिशा में नहीं ले जाना चाहते हैं। मेरा ये सपना है कि हम ये जो हेल्थ एजुकेशन की जो एक मशाल है वो इतनी बुलंद करके इस समाज में जला दें कि बचपन से ही ये जो मम्स को बचाने की बात है या कच्चा दूध ना पीने की बात है या हाइजीनिक मेथड्स जीवन में क्या पुरुष इस्तेमाल करें और क्या स्त्रियां इस्तेमाल करें, इसका अगर बचपन से ही एजुकेशन हम अपने बच्चों को दें। और जो भी बात ये कही गई है कि बचपन से ही माँ बाप सजग रहें कि जहाँ टेस्टिस नॉन डिसेंट में है, यानी कि टेस्टिस अपनी जगह पे नहीं है, बचपन से ही आप जो पीडियाट्रिशियन की मदद लें, तो ये जो जितने ही बचाव के जो फॉर्मूले हैं, मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दें और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बांटें राइट फ्रॉम द स्कूल एज, ताकि जो एडल्ट एज में जाके यानी 24-25 साल की उम्र में जब ब्याह होता है उस उम्र में परेशानियों का सामना ना करना पड़े, हमारी बीवियों को या स्त्रियों को हमारे से बीमारियां पास ऑन ना हो और समाज में एक इंसान, एक स्त्री, एक पुरुष या एक परिवार उस प्रताड़ना से बच जाए जो प्रताड़ना हमें मिलती है, जबकि समाज के सब लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि यार कमी कहाँ है, कुछ तो बताओ कि आपका बच्चा क्यों नहीं हो रहा। जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिब आपने जिस तरह से उपाय बताए हैं इनफर्टिलिटी को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, तो दर्शकों ये हैं डॉक्टर प्रभजोत कौर जिन्होंने आप सभी को बताया कि इनफर्टिलिटी क्या है, किस तरह से इसे खत्म किया जा सकता है। और हम डॉक्टर साहिबा से एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहिबा आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी, आपने इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, हम चाहते हैं एक संदेश ऐसा दो जिससे कि जागरूकता आए हमारे दर्शकों में, वो भी जागरूक हो कि किस तरह से बीमारी को वो एक प्रेशर ना समझे, उसे एक मानसिक तनाव ना लेकर उसका इलाज करवाएं। मीनाक्षी जो बात मैं कहना चाहती थी वो आपने इतने खूबसूरत ढंग से पेश कर दी है। मैं यही बात कहना चाहूंगी कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम, चाहे आप उसको कितना ही बड़ा क्यों ना समझ रहे हो, कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जिसका हल ना निकाला जा सके, जिसका इलाज ना किया जा सके, जिसको बचाया ना जा सके और जिसके बारे में कुछ किया ना जा सके। जरूरत है तो ये आइडेंटिफाई करने की कि हम एक अच्छा मार्गदर्शन ले जीवन में, खाम खा की बहुत सारी दवाइयां खा के अपने शरीर को खराब ना करें, जो भी करें सोच समझ के करें, समझ के करें और ये समझे कि हेल्प इज एट हैंड, आपके लिए हेल्प मौजूद है, आपको सिर्फ पहचानना है कि आप किसी भी प्रकार की मदद लेकर अपने जीवन को सुखद, सुखमय और स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, तो डॉक्टर साहिबा हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, आप हमारे कार्यक्रम में पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों ये थी हमारे साथ डॉक्टर प्रभजोत कौर जिन्होंने हमें इतनी सारी जानकारी दी है। यदि आपको कोई समस्या है और इस समस्या से पीड़ित हैं तो आप इसकी तुरंत डॉक्टरी जांच कराएं, नीम हकीमों के पास ना जाएं, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है तो सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर की सलाह, और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकती है, आपके ज़िंदगी को एक नया रंग दे सकती है, एक रूप दे सकती है। तो आज के हमारे कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए। नमस्कार।